brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. जो सांसद थे उसके बारे में आप को जिन्होंने डाला उनको नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारा कार्यकर्ता और कहाँ के रहने वाले, मैं हमीरपुर के रहने वाले। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें, चुनाव चल रहा है, ये सब मुद्दे छोटे छोटे ट्विस्ट करके लोग दूसरे ट्विस्ट, अब एक सोशल मीडिया में करके एक पैकेज देके उनको किया जा रहा है, तो करने दो। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही यूपी की राजनीति भी गर्माती जा रही है। भाजपा और समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति बनाकर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, मगर कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनको लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। उन्हीं में से एक उम्मीदवार हैं रमेश अवस्थी। भाजपा ने रमेश अवस्थी को कानपुर सीट से अपना प्रत्याशी बना है, मगर रमेश अवस्थी कानपुर के रहने वाले हैं ही नहीं। कानपुर में चर्चाएं हैं कि भाजपा ने रमेश अवस्थी को मैदान में उतार कर कानपुर में पैराशूट कैंडिडेट को टिकट दिया है। इन्हीं चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर रमेश अवस्थी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कानपुर के भाजपा कार्यकर्ता रमेश अवस्थी को पहचान नहीं पा रहे हैं और वो किसी दूसरे शख्स को रमेश अवस्थी समझकर उनका ही स्वागत कर बैठे। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में बना हुआ है, देखिए जरा। तो आपने सुना, यहाँ भाजपा कार्यकर्ता रमेश अवस्थी के लिए नारे लगाते हुए किसी और को माला पहना बैठे। दरअसल कानपुर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद रमेश अवस्थी कानपुर आए। वो स्वर्ण शताब्दी से पहली बार कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही कानपुर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, सभी नेता और कार्यकर्ता रमेश अवस्थी का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के कोच से रमेश अवस्थी जैसा ही दिखने वाला एक शख्स उतरा। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगा कि ये रमेश अवस्थी हैं। ऐसे में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को ही फूल माला पहनाना शुरू कर दिया और नारेबाजी भी होने लगी। तभी किसी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि ये रमेश अवस्थी नहीं है, वो तो पीछे आ रहे हैं। ये सुनते ही कार्यकर्ता सन्न रह गए और वो रमेश अवस्थी का स्वागत करने के लिए दूसरी तरफ चले गए। तब जाकर भाजपा के लोगों ने रमेश अवस्थी का स्वागत किया। बता दें कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिस शख्स को रमेश अवस्थी समझा था, वो दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद थे। कार्यकर्ताओं ने रमेश अवस्थी समझकर उनका स्वागत कर दिया था। हालांकि इस पूरे किस्से पर रमेश अवस्थी ये कहते नजर आए कि आज आप कानपुर, आपका आगमन हुआ, हमने देखी बहुत भीड़ भी थी रेलवे स्टेशन पे, उसी में से एक वाक्य सामने निकल कर आया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है जिसमें पहले सांसद जी हैं राज्यसभा के, वो सामने निकल कर आते हैं, ये दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आपको सोचते हुए कार्यकर्ताओं ने उनका पहले स्वागत किया, उनको मलाई डाल दी, फिर जब पता लगा कि आप अभी बाहर नहीं निकले तो उनको छोड़ के आपके पास चले गए। आपने देखा इसको सोशल मीडिया पे? मैंने पूरा देखा, ये एक हास्यास्पद वीडियो है और जिसको एक प्लान के तहत वहाँ पे जो कोई व्यक्ति था उसने शूट किया। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे, जो सांसद थे उनके बारे में आप को जिन्होंने डाला उनको नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारा कार्यकर्ता, और कहाँ के रहने वाले, मैं हमीरपुर के रहने वाले, मेरे साथ वो वहाँ, ऐसा नहीं कि अचानक आ गए, मेरे साथ वो आए, पार्टी ने उन्हें भेजा कि आप मेरे साथ वहाँ दिल्ली से आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन सांसद को जानता है कि ये सांसद इनका इनाम है। भारतीय जनता पार्टी में वो 5 साल कानपुर के प्रभारी रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा व्यक्ति, भारतीय जो 5 साल कानपुर नगर में प्रभारी रहे और उसको कार्यकर्ता ना जाने और ये मान ले कि ये साहब रमेश अवस्थी है? ये सिर्फ जो एक होता है ना कि ट्विस्ट करने वाली बात, वो ट्विस्ट करने वाली बातें हैं और उस ट्विस्ट करने में जो आप लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि 5 साल जो कानपुर में प्रभारी है और जिन लोगों ने माला जा, वो भी कानपुर में लगातार राजनीति कर रहे हैं, तो ये नहीं जानेंगे कि सांसद जी कौन है? ये हमीरपुर के सांसद रहने वाले। लोगों का कहना है कि आपकी और उनकी शक्ल और कदकाठी बहुत मिली थी इसलिए कंफ्यूज हो गए कार्यकर्ता। ठीक है, मैं ये नहीं हो सकता कदकाठी एक हुई और मिल गए, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, आप तो कानपुर में रहते हैं, मैं 10 साल नहीं 15 साल से लगातार कानपुर में हूँ, हर कार्यकर्ता से सीधा सीधा मेरा संपर्क है, मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, तो ऐसा संभव है कि हर कार्यक्रम में मैं अटेंड करता हूँ? ऐसा संभव है कि मुझे कोई जानता नहीं? लेकिन ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें, चुनाव चल रहा है, ये सब मुद्दे छोटे छोटे ट्विस्ट करके लोग दूसरे ट्विस्ट, अब एक सोशल मीडिया में करके एक पैकेज देके उनको किया जा रहा है, तो करने दो। बता दें कि रमेश अवस्थी पूर्व वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में वो जाना पहचाना नाम रहे हैं। अब भाजपा ने उन्हें कानपुर से टिकट दिया है।
आपको ये भी बता दें कि भाजपा ने वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काट कर रमेश अवस्थी को टिकट दिया। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कानपुर से समर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।